हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सारी एक जनन। तो मम्मी का तासर खैर से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम अनिला। तो गाइस, अब हम जिस मूवी का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली गाइस वो मूवी आ गई है आखिर इंतजार के बाद। जिस मूवी का इंतजार कर रहे थे वो अमिताभ बच्चन की है। तो उस मूवी का नाम है कल्कि 2898 AD ट्रेलर। तो अभी जल्दी से इस मूवी को वॉच करते हैं तो फिर आपको बाद में रिव्यू देते हैं कैसी मूवी है। तो बहुत यार वो टाइम से हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे मूवी का, तो जल्दी से ट्रेलर का वॉच करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही, बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रोशक, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। एक जान के अंदर दूसरी जान। आपने अपनी गर्द में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचाऊंगा। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? कितना अच्छा सपना देख रहा था हम दोनों कॉम्प्लेक्स में। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे? मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा हो लेंगे क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। भैरवा, पैसा बाउंटी, लेट्स गो। हाय हाय। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं आ रहा। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। फाइनली गाइस यहाँ पे वीडियो हो गई एंड। तो यार क्या धमदार ट्रेलर था यार, मजा आ गया। तो भाईजान इस बार ये जो अमिताभ बच्चन की मूवी है, तो काफ़ी टाइम से मतलब मैं इस ट्रेलर का इंतज़ार कर रहा था। तो भाईजान ट्रेलर तो काफ़ी ज़बरदस्त था भाईजान, एक किस्म का धमाका कर दिया। और इस जो ट्रेलर में मूवी में कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की। अब अम्मा जी, आपने हॉलीवुड की मूवीज वगैरह तो देखी नहीं होगी आई थिंक? नहीं दादी, मैंने हॉलीवुड की मूवीज में ये होता है ना कि वहाँ पे फ्यूचरिस्टिक इस तरह की मूवीज वगैरह बनाई जाती हैं। अब अच्छा, इंडिया ने भी मतलब इस तरह की ट्राई की है। तो भाईजान मूवी तो मतलब इस तरह की धमदार लग रही, काफ़ी जिस तरह के फाइट्स वगैरह सीन्स एनिमेशन, जिस तरह की लड़ाइयाँ मार धाड़ अंदर बीच में लग रही है, तो मूवी तो काफ़ी ज़बरदस्त है। और बीच में जो अमिताभ बच्चन का जो गेटअप लग रहा था, अम्मा जी देख रहे थे, काफ़ी मजे का लग रहा था भाई उनके गेटअप में, कितना वो मतलब अच्छा लगता। और अलग अलग मतलब लग रहा था। हाँ। कभी इस तरह इस गेटअप में इनको देखा नहीं है वही ना। और चलो अलग अलग बनानी चाहिए, फिर थोड़ा मजा भी आता है ना, देखने वाले इनको बहुत पसंद है। और मुझे खुद अमिताभ बच्चन जो है बहुत पसंद, क्योंकि बहुत शौक से देखती हूँ। आप तो मतलब छोटे होते वक्त इनको देखती होंगी, क्योंकि उस वक्त तो जवान होते थे, मतलब इनकी मूवीज वगैरह आती थी, काफी सुपर हिट जाती थी बचपन में। ये तो है बिल्कुल, जो छोटे होते वक्त इनकी मूवी थी मैंने जो देखी थी, इनकी भूतनाथ आई थी वो, आई थिंक सो आप लोगों ने भी देखी होगी वो, मतलब काफी ज्यादा फेमस हुई थी। बिल्कुल, और
और बहुत मुझे पसंद थी। हाँ, अभी ये जो ट्रेलर है आई थिंक सो ये जो इस मूवी का यार बहुत ज्यादा हिट होने वाला है, क्योंकि इस मूवी को देख ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है काफी ज्यादा हिट होगी, क्योंकि अभी इसको आते हुए तकरीबन 24 घंटे के अंदर 24 घंटे से कम ही हुए तकरीबन, तो अभी इसके ऊपर 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो अभी ये तो मतलब और भी ज्यादा वायरल होगी वीडियो, तो मूवी तो काफी जबरदस्त है। मतलब इस बार मतलब कोई डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की है बॉलीवुड ने, तो मैं तो कहता हूँ कि भाईजान इसको मैं 10 out of 10 नंबर दूंगा कि भाईजान जिस तरह की मूवी बनाई है, जिस तरह के एनिमेशन, मतलब इस तरह के मतलब सुपर हीरो भी कुछ तरह के बीच में बनाएंगे, ऊपर फ्लाई भी कर रहे हैं, इतना ज्यादा नहीं पता, जब तक पूरी मूवी नहीं आएंगी देखेंगे नहीं तब तक सारा पता नहीं लगेगा। बिल्कुल अमाद, मैंने खुद ये मूवी देखी, बड़ी डिफरेंट है और सबसे अलग अलग है, और क्या मार दाड़ है और क्या कुछ नहीं है इसमें। हाँ। भाई जब देखने वाले देखेंगे उन्हें बहुत मजा आएगा, हम लोगों ने तो अभी थोड़ी सी मुख्तसर देखी है, वही ना अभी जब देखें मूवी आएगी तो फिर पता लगेगा ना। तो मूवी तो मतलब एनिमेशन तो काफी ज्यादा इसके जबरदस्त लग रहे, जिस तरह मतलब एक किस्म का न्यू वर्ल्ड इसमें दिखाया गया है, बंदे वगैरह मारधाड़ चल रही है, तो अभी तो जिस वक्त मतलब आएगी तब जारी बात है पता लगेगा, क्योंकि असल वजह ये है इसमें मार अलग अलग सीन है, क्या मार है, क्या दाड़ है, क्या फाइट है। हाँ, और इनको देखने वाले देखेंगे और बहुत पसंद करेंगे, बहुत अच्छी मूवी है, पैसे भी बहुत ज्यादा मूवी कमाएगी, जिस तरह की मतलब काफी टाइम बाद अमिताभ बच्चन की मूवी, आई थिंक सो मुझे सही नहीं पता, क्या पता पिछली भी कोई मूवी आई हो, लेकिन जहां तक मुझे कंफर्म है कि मतलब ये इनकी काफी टाइम बाद मूवी आ रही है अमिताभ बच्चन की, तो ये काफी ज्यादा पैसे कमाने वाली भाईजान, करोड़ों में कमाएगी भाईजान, जिस तरह मूवी के भाईजान, जिस तरह ग्राफिक लग रहे हैं, जिस तरह के मतलब इसके ऊपर वर्क किया गया भाईजान, ये काट जाएगी जितनी भी आजकल की मूवीज आ रही हैं, और इस तरह की अमाद मसल ये कि इस तरह की मूवियां चलती बहुत है, बहुत चलती है, लोग बहुत शौक से, लोग कहते हैं अलग अलग कहानियों और अलग अलग सीन हो, बिल्कुल इस तरह के लोग बहुत ज्यादा ट्राई करने का कोशिश किया गया ना, तो अब लोग देखेंगे क्योंकि डिफरेंट चीज मतलब उन लोगों ने एक किस्म की बनाई है, क्योंकि एक न्यू वर्ल्ड सा बनाया है, कोई अलग अलग से फ्यूचर नए नए डाले हैं, आप जिस तरह के बॉलीवुड में होते हैं इस तरह के मतलब बिल्कुल सेम टू सेम वैसे डाले गए हैं, अलग किस्म की स्टोरी है, तो अभी पूरी मतलब मूवी आएगी तो आप पता लगेगा, तो गाइस आप लोग ओपिनियन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, तो मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।